हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम टू क्रेडिट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाना कुछ इंस्टा की फोटोज जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे काफी दिनों पहले वाली पिक अपलोड करी थी एंड इसके नीचे काफी ज्यादा कमेंट्स आ गए थे आप सब लोगों की ट्यूटोरियल बनाओ। हालांकि मैं इसका ट्यूटोरियल बनाने जा रहा था बट मैं बना नहीं पाया, कुछ रीजन की वजह से कुछ पेंजी वगैरह का इशू हो गया था, तो इसलिए मैं इसका जो है ना ट्यूटोरियल बना नहीं पा रहा था। सो दिक्कत की बात नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं एंड काफी ऑसम एडिटिंग होने वाली गाइस ये। एंड जो भी मैं इसके अंदर बैकग्राउंड पेंज यूज करूंगा सबका लिंक आपको हमेशा नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस एक चीज और, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मेरा यूजर नेम है तो मेरा अड्रेस को रेडिस, क्योंकि क्या होता है जो भी मैं पिक अपलोड करता हूँ यूट्यूब मतलब उसको जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ। सो आप पहले वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरी फोटो को। सो अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस इस एडिटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक इस तरह की फोटो क्लिक करानी है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। आप किसी ड्रम के ऊपर बैठ जाना है ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर, देन सिंपली आपका अपना हाथ कुछ इस तरह करना है एंड आपको जो लुक है अपने हाथ की तरफ देखना है, ठीक है। इस तरह की फोटो क्लिक करा लेना आप सेम, फिर क्या करना है इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना। सो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आप कोई भी मेथड से इरेज कर सकते हो, मैं जाऊँगा टूल्स में फ्री क्रॉप में, देन यहाँ से इसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लूँगा। तो इस फोटो का पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, डो टूल पे जाएंगे, इस फोटो को हम सेव कर लेंगे अपने मोबाइल में। ओके गाइस, तो अब हमको बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। ये जो कार का बैकग्राउंड है काफ़ी मस्त बैकग्राउंड है। सो अब हमको अगला बैकग्राउंड लेना है, इस बैकग्राउंड के ऊपर अपनी फोटो को ऐड करना है, ठीक है। देन हम जाएंगे ऐड फोटो पे, ऐड फोटो पे जाने के बाद जो अपनी फोटो है इसको ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। कार के ऊपर ऐसे बिठा देना अच्छे से आप, देन सिंपली यहाँ से डन कर देना, ठीक है। अब हम जो अपना फेस है ना, फेस को स्मूथ करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे ब्यूटी मोड पे, देन फेस फिक्स। सो अपने फेस को पूरा क्लियर कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। अब हम यहाँ से डन कर देंगे। ओके गाइस, सो हमने फेस को स्मूथ कर लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे गाइस, दिख रहा होगा आपको कार के ऊपर हम बैठे बट लग नहीं रहा हम कार के ऊपर बैठे हैं। इसके लिए हमको करना पड़ेगा शैडो बनानी पड़ेगी, तो शैडो बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे डो टूल पे, यहाँ से ऐसे ब्रश ब्रश की सेटिंग कर लेंगे ब्लैक कलर एंड यहाँ से आप देख लीजिए साइज ओपेसिटी वगैरह, देन अपने ऐसे नीचे मारेंगे। ओके गाइस, देन इसके हल्का इधर भी नीचे मार देंगे ऐसे, इस तरह दो बार मार देते हैं थोड़ा। ओके एंड यहाँ से सिंपली डन कर देंगे। सो हमारी शैडो बन चुकी है गाइस, आपको दिख ही रहा होगा ये देखिए। सो शैडो बनाना तो काफ़ी ईजी काम है। सो हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पर जाना है हमको, ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस हमको जो वाइन के बोतल का पीएनजी है ना उसको ऐड करना है। तो इन सब पीएनजी का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर जाके डाउनलोड कर लो। सो यारा पीएनजी, ये ग्लास है, ग्लास में अपना वाइन भर रही है, पता नहीं कौन भर रहा है, भूत भर रहा है मेरे ख्याल से। सो अब हम अपने हाथ पे ऐसे लगाएंगे, इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे पहले। ओके अब जो भी हमारे फिंगर के ऊपर एरिया आ रहा है उन सबको हम इरेज कर देंगे, हार्डनेस को बढ़ा लेंगे। अब जो भी एरिया आ रहा है उन सबको हम अच्छे से इरेज कर देंगे ऐसे। सो गाइस हमने इरेज कर दिया, अब हम सिंपली ऐसे डन करेंगे एंड इसकी ओपेसिटी को ऐसे बढ़ा देंगे। ओके सो ये देखिए गाइस, अब ऐसा लग रहा है हमने अपने हाथ से ग्लास पकड़ रखा है। सो आप भी ऐसे कर लेना, अब हम सिंपली ऐसे डन कर देंगे। ओके सो ये हमारे ग्लास का पीएनजी लग चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड फोटो पर जाएंगे, हमको व्हाइट लेंस का वो जो लेंस फ्लेयर नहीं होता व्हाइट कलर का उसका पीएनजी लगाना है, ठीक है। सो उसका पीएनजी भी मैं दे दूंगा आपको, भाई मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ गया, मेरे मोबाइल में मिल नहीं रहा, ओ कहाँ गया ये रहा। तो इस पीएनजी को हम लगाएंगे अपने यहाँ पे लगा देंगे राइट साइड में, ठीक है, ऐसे बड़ा करके ऐसे लगा देंगे सिंपली। सो गाइस आप एडिटिंग करने के बाद भी लगा सकते हो, मतलब लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग करने के बाद भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सो मैं पहले ही लगा देता हूँ एंड यहाँ से डन कर देंगे सिंपली। ओके गाइस, सो ये हमारा पिक्सआर्ट का सारा काम हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डो टूल पे जाते इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। अब जो भी हम इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे वो लाइट रूम में करेंगे। सो लाइट रूम खोल लेते हम, देखो ओएलएक्स खोल लिया, ये लाइट रूम ओपन कर लिया हमने। अब हम इसके अंदर अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे जो हमने फोटो पिक्सआर्ट के अंदर अभी एडिट करी है। तो सिंपली अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। सो गाइस लाइट रूम के अंदर मैंने अपनी फोटो को ऐड कर लिया, अब हम इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे बिल्कुल मस्त वाली, जिससे हमारी फोटो एकदम एक नंबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शेडो को बढ़ा देंगे फोटो की ऐसे,
ठीक है, एंड ब्लैक को कम करने के, शेडो को बढ़ा दिया ना। हाँ एंड आप कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट को तो रहने दो, अभी अभी रहने दो तुमको। सो अब मैं जाने नीचे टूल पे, मिक्स सेकंड कलर सेलेक्ट करना, इसकी ल्यूमिनस को बढ़ा देना ऐसे। ओके देन अब हमें जाना है इधर पिछले टूल पे, इसकी भी ल्यूमिनस हल्का सा बढ़ा देंगे, नहीं ल्यूमिनस इसकी हल्की सी कम कर देंगे, ठीक है। देन सिंपली जाएंगे वाले कलर पे, इसकी ह्यू को हल्का सा पीछे करेंगे, जो ब्लू वाला कलर सेलेक्ट करना है, देन इसकी ह्यू को हल्का सा पीछे करना, हमको 6 रहने देंगे। ओके देन यहाँ से डन कर देंगे। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा इधर वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, एंड सेचुरेशन को हल्का सा कम ऐसे सिंपल। ओके एंड जो टेम्परेचर है उसको हल्का सा ब्लू टोन में रखेंगे ऐसे, 4 कर देंगे सिंपली। अब मुझे जाना नेचुरल टूल पे, फोटो क्लियरिटी को बढ़ा लेना। ए क्या हो गया, एंड विग्नेट को ऐसे कम करेंगे। ओके गाइस देन सिंपली जाएंगे दोबारा नीचे टूल पे, शार्पनेस जो भी फोटो के अंदर नॉइस होगा उसको खत्म करने के लिए नॉइस रिड्यूसिंग कैसे इंक्रीज कर देना है। ओके गाइस सो अब हम जाएंगे दोबारा शैडो में, शैडो हल्की से और इंक्रीज कर देंगे ऐसे। एंड ये गाइस हमारी फोटो अभी एडिट नहीं हुई, अभी अभी इसमें एक चीज़ और करनी है, तो हमें यहाँ से जाना है सिलेक्टेड टूल पे। सो गाइस मैं जानता हूँ सबके मोबाइल में सिलेक्टेड टूल नहीं आता, मैं जानता हूँ, तो लिंक मैंने दिया लाइट रूम का, जो मोडेड वर्जन है उसका डाउनलोड कर लो। देन यहाँ प्लस पे क्लिक करना, ग्रेडियंट टूल, देन नीचे से इसको ऐसे मारना। ओके फिर यहाँ पे क्लिक करना है सूरज से पे, देन इसका एक्सपोजर कम कर देना ऐसे। ओके एंड यहाँ से डन कर देना। सो गाइस ये आपकी फोटो पूरी अच्छे से एडिट हो जाएगी। सो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो अपनी फोटो का ये। सो गाइस रेडी हो जाए, मैं दिखाता हूँ फोटो पहले कैसी थी, अब कैसी है। ये गाइस पिक्सआर्ट के अंदर कुछ इस तरह की फोटो थी, फोटो बिल्कुल बेकार लग रही थी, मतलब कलर ग्रेडिंग हुई नहीं थी, बैकग्राउंड वैकग्राउंड का काम करता है पिक्सआर्ट, कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाता अच्छे से। तो हमने लाइट रूम बाबा कहते देखो कलर ग्रेडिंग करी, काम मस्त फोटो लग रही है। एंड गाइस देखिए फोटो क्वालिटी बिल्कुल नहीं फटी, आप कहते हो ना फोटो की क्वालिटी कम हो जाती, देखिए गाइस मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, फोटो की क्वालिटी बिल्कुल नहीं कम हुई एंड काफ़ी मस्त फोटो लग रही है, आप देख ही सकते हैं, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस अब आपको करना है सिंपली थ्री डॉट पर जाना, भाई क्या हो गया, थ्री डॉट पे जाना, सेव टू डिवाइस, इस फोटो को अपने मोबाइल में सेव कर लो। एंड गाइस आई होप आपके फोटो एडिटिंग पसंद आएगी, अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आते हैं एंड अगर आप एडिट करके इस तरह के इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो मेरा हैशटैग यूज़ करना तो क्रेडिट्स एंड मुझे टैग जरूर करना, तो उससे क्या होगा मैं लाइक कर सकता हूँ आपकी फोटो को। सो चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो, मोस्ट गॉड, लव यू ऑल, बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।